नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश भर की कला और संस्कृति को समेटे हुए हुनर हाट का बीते दिन समापन हुआ। 18 से 29 मई तक आयोजित इस हाट में विभिन्न प्रांतों के दस्तकार और शिल्पकार जुटे रहे। बात हो असम से लेकर गोवा की या पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की कला को देखने का मौका यहाँ मिला। वहीं लगातार हुनर हाट की शाम को किसी न किसी कलाकार ने अपनी प्रस्तुति के साथ रंगीन किया। बता दें कि हुनर हाट में आखिरी दिन काफी भीड़ रही और शाम से ही लोग यहाँ पहुंचने लगे। साउंड चेक किया मैंने आगे की ठीक चल रहा नहीं चल रहा है। शो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सारी रात बुलंदशहर के अनूप शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक प्रभारी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता दिख रहा है। बता दें कि अनूप शहर क्षेत्र के गांव तौली में पीएससी के प्रभारी नरेंद्र सिंह ने मेडिकल फिटनेस बनवाने पहुंचे युवक का करियर खराब करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पीएससी के प्रभारी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए गालीबाज प्रभारी पर कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट भी किया है। साल 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी इंजीनियर श्लोक कुमार को जनपद बुलंदशहर का नया एसएसपी बनाकर कार्यभार सौंप दिया गया। बता दें कि इससे पहले जनपद में संतोष कुमार सिंह को डीआईजी के पद पर प्रोन्नत किया गया था। वहीं जनपद के पूर्व डीआईजी एसएसपी का वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर स्थानांतरण हो गया। हरदोई के भाजपा विधायक अक्सर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर योजना के फ्लॉप होने के आसार दिख रहे हैं। बता दें कि इससे संबंधित एक पोस्ट विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर भी लिखी है। ये भी बता दें कि श्याम प्रकाश हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक हैं। बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा ने शिवालय वाली मस्जिद में मंदिर होने का मुद्दा उठाया। बता दें कि यह मस्जिद छितवापुर पुलिस चौकी के सामने वाली रोड पर मौजूद है। अभिजात मिश्रा का कहना है कि शिवालय वाली मस्जिद में पहले से ही शिवालय मौजूद था और इसे जबरन कब्जा करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। इसके अलावा अभिजात मिश्रा ने शिवलिंग में जलाभिषेक करने की बात भी कही थी, जिसके बाद बीजेपी के युवा नेता अभिजात मिश्रा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। साथ ही मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने तीसरे प्रत्याशी के रूप में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी। तो वहीं जयंत चौधरी ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। बता दें कि नामांकन के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव तमाम नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सुबह ही आरएलडी प्रमुख राजधानी लखनऊ पहुंचे। वो एयरपोर्ट से सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। कुछ देर में अखिलेश भी वहां पहुंचते हुए नजर आए। प्रदेश की जनता ने और जो समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी दलों ने दिया है वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पे। मैं राज्यसभा के सदस्य में अपनी गिनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने। बांग्लादेश के रेल मंत्री नुरुल इस्लाम रायबरेली पहुंचे। बता दें कि इस दौरान रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। तो वहीं रेल मंत्री नुरुल इस्लाम लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। बता दें कि रेल मंत्री नुरुल इस्लाम मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण भी करने पहुंचे थे। कोविड-19 प्रभावित बच्चों को सशक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण हुए अनाथ बच्चों को विभिन्न प्रकार की मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बने। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पीएम केयर चिल्ड्रन प्लान का शुभारंभ देश भर में किया गया है। यह एक अति संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी हुई योजना
का शुभारंभ है। कोरोना महामारी के अंदर जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों अभिभावकों को संबल सदर की पंजाब नेशनल हाईवे के सामने एक बाइक सवार युवक की सरेआम गुंडागर्दी करने का वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बाइक सवार ने रिक्शा चालक पर जमकर चप्पलें बरसा दी। बताया जा रहा है कि रिक्शा के बाइक से टकराने पर गुस्साए बाइक सवार ने रिक्शा चालक को चप्पलों से पीट दिया, जिसका लाइव पिटाई कैमरे में कैद हो गई है। शाहजहाँपुर के कांड थाना क्षेत्र के ग्राम इमिलिया के पास से हाल ही में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 7 अवैध असलाह, 5 कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में एडीजी ब्रजभूषण शर्मा सीतापुर थाना कोतवाली नगर और महिला थाना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोतवाली नगर महिला हेल्प डेस्क और महिला थाने में बने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर पीड़ितों की शिकायत पर उनको फोन कर समस्याओं की जानकारी ली। इसके अलावा महिला थाना प्रभारी की जमकर फटकार भी लगाई। बता दें कि इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह भी मौजूद रहे। आज सोमवती अमावस्या का महास्नान, सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और करीब 2.5 साल बाद हरिद्वार में किसी स्नान पर इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। सड़कों से लेकर गंगा घाट और फिर पौराणिक ब्रह्मकुंड तक हर जगह सिर्फ लोगों की भीड़ ही नजर आई। पौराणिक ब्रह्मकुंड पर रात 12 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ा और गंगा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरा मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया। इसके अलावा चारधाम यात्रा को विशेष ध्यान में रखते हुए अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। वो बड़े आनंद में रहते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। तो जिन लोगों को शनि पीड़ा है, केवल गंगा स्नान करके दान करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जिन लोगों को अपने, जिन स्त्रियों को अपने पति की मंगल कामना, उनकी आयु अच्छी हो और घर में प्रेम भाव बना रहे पति पत्नी के बीच गृहस्थ धर्म के लिए, तो वो आज के दिन वट की पूजा भी करते हैं, इसलिए वट सावित्री का व्रत भी आज किया जाएगा। इस दिन का एक अपना महत्व है, अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना। माता जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। देखो, आस्था है, पुरानी जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ है। बस स्नान ध्यान से बहुत पुण्य मिलता है और क्या, सारे पाप कटेंगे। और आज वट सावित्री का व्रत भी है, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, कंचल के। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लाउडस्पीकर की आवाज़ को सीमित करने के संबंध में हाल ही में लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट के द्वारा लक्सर कोतवाली परिसर में सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की गई। लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु सभी धर्म के लोगों को लक्सर कोतवाली परिसर में बुलाया गया, जहां उनको धार्मिक स्थल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अवगत कराते हुए लाउडस्पीकर की आवाज़ को सीमित करने का अनुरोध भी किया गया। इसके क्रम में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारी के माध्यम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले सभी धार्मिक स्थलों में या ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत तेज आवाज़ का ध्वनि प्रदूषण होता है, उन सभी को बुला करके उनको बता दिया जाए कि इस तरह से आवाज़ को नियंत्रण में रखें। तो इसी संबंध में उनको आज अवगत कराने के लिए हमने अपने सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया था, अन्य लोग बुलाया था, और जिनको हमने अली बात बताई है कि भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करना है और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है।
क्रचिंग ग्राउंड में कंपोस्ट पिट तैयार करने के लिए हाल ही में अनीता ममगई ने निर्देश दिए। बता दें कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के जद्दोजहद के बीच साप्ताहिक अवकाश के बावजूद महापौर ने क्रचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि क्रचिंग ग्राउंड पिछले 3 दशक से शहर की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ था, जिसे शिफ्ट कराना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन निगम प्रशासन ने पूरी टीम ने शिद्दत के साथ इस पर कार्य किया है और जल्द ही ये योजना साकार भी होगी। निश्चित तौर पे देखो, चुनाव के लिए अब हमारे पास 16 महीने रह गए हैं मात्र। उसके बाद हमको चुनाव में जाना है, जनता के उम्मीदों पे हमको खरा उतरना है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि 2 महीने ये बरसात के लिए लाल पानी बीट में अड़चन नहीं आएगी, वहाँ पे नया काम शुरू होना है, वहाँ पे नया प्लांट लगना है, उसमें बरसात वाला कोई इशू नहीं रहेगा। वहाँ पे नई हमारी बाउंड्री वाल होनी है, 25 फीट ऊपर बाउंड्री वाल होनी है और उसके बाद नई मशीनें लगनी शुरू होनी है। लेकिन जो भी चैलेंज आते हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, मैं तो हर चैलेंज को सहज स्वीकार करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जब तक हमारे सामने चैलेंज नहीं होंगे तो हम काम भी कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी भावना साफ बहुत स्पष्ट है। जन हितकारियों को करने की हमारी भावना है, हमारे कहीं पर कोई भी ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है जिस चीज़ से कि हम घबराएं, कमज़ोर हो जाएं, हमारी शक्ति छीन हो जाए, हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। जनता के लिए लड़ने हैं, उसमें अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक कामयाबी नहीं मिलती है तब तक लड़ते रहेंगे। और मुझे लगता है कि शहर वालों का सभी का बड़ा सहयोग इसमें मिल रहा है, हम इसमें निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।